एक सकाफत है, अपने रस्म और रिवाज है, तो इन्हें को अपनी एक पहचान दी बने और इन्हें को एक अलहदा सूबा दिता बने ताकि अपने मसले मसायल खुद हल करें और रूट ग्रास रूट लेवल ते बनते अपने जितने भी मसले मसायल है हल करें। हिंद वास्ते अस तारीख जारी रखे मैनू और तारीख माशाल्लाह रोज बा रोज जोर पकड़े दी पी है और हुण मामला आला मान्यता कालड़ी चला गया, करारदादा पास थी चुके पंजाब असेंबली हुण असा इंतजार छासे जो भी मुल्क जड़ा है क्योंकि सारे हुण पहले पाकिस्तान है। ठीक, सबसे पहले सारे तो पहले पाकिस्तान है। नवी हुकूमत जड़ी है नवाज शरीफ की आई है, अमन सेती इन्हें को मसले मसायल चलते रह गए, गैस दे बिजली दे बाकी बेरोजगारी दे तालीम दे सेहत असा से इन्हें को निकाल आवे तो भला असा इन अगे मामला करूं सूबे का। हुण असा दे के दस भी इन्होंने ये मसले खत्म थोड़ वाले नहीं ये चलसन पे हुण असा सराइकी कौम ने ये प्रोग्राम बढ़ाया जो भी हुण इंशाल्लाह तहरीक को जड़ा असा भला फॉल करना है। असा जितने भी लीडरशिप पे पार्टीज दे सदूर हैं उन्हें को मिलना है, उन्हें को बावर कराने जो भी सारा जड़ा जड़ा पीपल्स पार्टी सबका दौर है एक सराइकी सूबा तारीख एक बिल्कुल उत्ते आ गया है बिल्कुल सिर्फ बट आइन नहीं तरमीम थी बनी है असा को उतों भला सफर शुरू करें हुए मेहरबानी करें असा को एक अलहदा सराइकी सूबा रिवावन ताकि एक तो सराइकी सूबा सिर्फ सराइकी कौम वास्ते फायदेमंद नहीं हिंद में मसला यह थी कि जब भी तख्त लाहौर का जड़ा ना वह हूँ हुक्मरानी पिया ना कि सिर्फ पंजाब की हुक्मरानी पिया करें बल्कि सारे पाकिस्तान को हुक्मरानी करें पे और हूं जरा एक किस्म का एक किस्म की जिमें वीटो पावर बढ़ चुके और आउट ऑफ बैलेंस थी चुके एक पंजाब जड़ा है हर लिहाज नाल इतों असेंबली जड़ी है उन्दा 450 सूबाई सीट हैं इन्दा 161 सीट हैं। बातचीत को कंटिन्यू करेंगे, माजा साहब की बात कर रहे हैं लाइन पे देखते हैं कि कौन है हमारे साथ क्योंकि इनसे भी मुखातिब होना बड़ा जरूरी होता है वरना शिकवे और शिकायतें क्योंकि मोहब्बतें हैं बात करना चाहते हैं शुरू हो जाती है तो हम नहीं चाहते कोई शिकवा करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं? जी बिलाल कॉल कर रहा हूं कराची तो। जी क्या कहना चाहते हैं आप? एक तो मैं सिर्फ टीवी का सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहना उन्होंने सराइकी कौम के अजीम हीरो साडे कैद को साडे सराइकी कौम की बहुत मुहब्बत की है। दूजा असा कर्नल साहब तू बिल्कुल असा उन्हें शाना बशाना इतने साडिया कुर्बानियां बहाल साड़ी घर माल दौलत सब करना साहब की कुर्बान है। अच्छा जी कोई खास सवाल करना चाहेंगे अगर कोई सवाल जहन में हो तो आप कर सकते हैं। हेलो ओके जी बहुत शुक्रिया थैंक यू। चलिए इस वक्त अब हम ऐसा करते हैं कि हम जैसे एक सूबे पे हम बात फिलहाल चूंकि हम कर चुके हैं तो मजीद भी हम करेंगे लेकिन बात वही आपने भी कही हमने भी कही हम सब कहते हैं कि सबसे पहले पाकिस्तान। ठीक है तो अगर हम पाकिस्तान की बात कर रहे हैं और सूबों की बात कर रहे हैं तो जो सूबे अभी कायम पजीर हो चुके हैं या जो होने वाले हैं जिनके लिए आप यकीनन सभी होपफुल हैं तो पाकिस्तान के लिए सब मिलकर किस तरीके से काम कर रहे हैं? क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं? क्या पाकिस्तान की एजुकेशन पाकिस्तान की सेहत पाकिस्तान के लिए जो जरूरी चीजें हैं इकदाम हैं क्या वो उठाए जा रहे हैं या हर कोई अपना अपना काम कर रहा है पाकिस्तान के लिए कोई काम नहीं कर रहा? तो आपके ख्याल से बिल्कुल बिल्कुल तो सही निशानदेही की थी है। इट्स बड़ा तकलीफ दे मामला है कि हर कोई जड़ा है फिलहाल अपनों अपने च लग्या पे और जड़े बेसिक मसायल हैं सेहत दे तालीम दे रोजगारी दे और बाकी जड़ा स्ट्रक्चर है आई मीन उन्हें